वेलकम टू माई चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का क्रीमी सॉसी एंड चीज़ी मटन लज़ानिया। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। लज़ानिया बनाने के लिए सबसे पहले मैं बना रही हूँ वाइट सॉस। वाइट सॉस बनाने के लिए मैंने लिया है एक पैन और उसमें मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें डाल दिया है मैदा। अब इस मैदे को हमने अच्छे से भून लेना है ताकि इसका कच्चापन चला जाए। जैसे ही मैदा भुन जाएगा तो हमने इसमें डालना है दूध। ऑलमोस्ट 2 कप मिल्क ले रही हूँ मैं और दूध को हमने आहिस्ता आहिस्ता डालना है, एकदम से सारा दूध नहीं डाल देना वरना इसमें लम्प्स बन जाएंगे। थोड़ा सा डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, फिर थोड़ा सा और डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे। इस तरह करते करते हमने इसमें सारा दूध ऐड करना है क्योंकि अगर हमारे वाइट सॉस में लम्प्स बन जाएंगे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। दैट्स इट। इसमें हमने एक बॉयल आने देना है अच्छे से। जैसे ही बॉयल आ जाएगा तो हमने इसकी फ्लेम स्लो कर देनी है और उसके बाद हमने इसको सीज़न करना है बहुत ही मज़े के स्पाइसेस से, जिसमें मैं ले रही हूँ सॉल्ट, गार्लिक पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर पाउडर एंड ऑरिगानो। ये सारे स्पाइसेस इसमें डाल के इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको थोड़ी देर कुक होने देना है ताकि स्लाइटली थिक हो जाए। कुकिंग करते हुए इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं कर लेना क्योंकि जब इसने ठंडा होना है तो भी वाइट सॉस ने थिक होना होता है, सो इस टाइम पे थोड़ा सा मार्जिन रखना है हमने। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में मैं बनाऊंगी मीट सॉस, जिसके लिए लिया है मैंने ऑयल। उसमें मैंने डाल दिया है अनियन चॉप्ड 1 मीडियम साइज अनियन लिया था मैंने और उसमें मैंने डाल दिया है गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून। अनियन को और गार्लिक को हमने अच्छे से पका लेना है, भून लेना है ताकि गार्लिक की सारी रॉ स्मेल चली जाए और अनियन भी ट्रांसल्यूसेंट हो जाए। जैसे ही ये दोनों स्टेप हो जाएंगे तो हमने इसमें डाल देना है मटन का कीमा। अब कीमे को भी हमने तब तक अच्छे से पकाना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। इसको हमने भूनना है प्याज और लहसुन के साथ। जब ये भुन जाएगा और इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा तब हम इसको करेंगे सीज़न। सीज़न करने के लिए मैं जो स्पाइसेस ले रही हूँ, ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और सॉल्ट मैंने डाला था, वो पार्ट स्किप हो गया एंड दैट्स इट। अब हमने इन स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेना है कीमे के साथ ताकि कीमे में अच्छे से सारे फ्लेवर एब्जॉर्ब हो जाएँ और इसको 5 to 6 मिनट्स के लिए हमने पकाना है। नाउ आफ्टर दैट मैं इसमें डाल रही हूँ ऑलमोस्ट 1/3 कप ऑफ टोमेटो केचप। टोमेटो केचप इसको बहुत ही रिच फ्लेवर देगा। इसके साथ भी हमने इसको अच्छे से भून लेना है 5 to 6 मिनट्स के लिए। नाउ आफ्टर दैट हमने जब ये भुन जाएगा, इसका पानी खुश्क हो जाएगा कीमे का, तो हमने इसमें डाल देना है सोया सॉस और टोमेटो प्यूरे। नाउ ये दोनों चीज़ें ऐड करके भी हमने इसको अच्छे से पकाना है, कीमे को भूनना है। जैसे ही इसमें बबलिंग स्टार्ट हो जाएगी तब हमने इसमें डाल देना है पानी। ऑलमोस्ट 2 कप्स मैंने ऐड किए हैं। जैसे इसको स्लाइटली मिक्स करना है और जैसे ही ये पानी पकने लग जाएगा तो हमने इसको कवर करके रख देना है कुक होने के लिए 20 to 25 मिनट्स के लिए। नाउ आफ्टर 25 मिनट्स यू कैन सी दिस, बहुत अच्छे से कुक हो रहा है कीमा और ऑलमोस्ट ये डन है। बहुत ज़्यादा ड्राई कीमा नहीं बनाते हैं लज़ानिया के लिए, थोड़ा सा सॉसी ही रखते हैं। सो इस स्टेज पर हमने इसको हटा लेना है। आवर मीट सॉस इज़ डन। नाउ इट्स टाइम टू असेंबल द लज़ानिया। असेंबलिंग के लिए मैंने लिया है एक स्क्वेयर ट्रे, उसमें सबसे नीचे मैं लेयर लगा रही हूँ मिंस की। उसके बाद ये मैंने लज़ानिया शीट्स बॉयल कर ली थी, इनको हमने अल डेंटे बॉयल करना होता है, बहुत ज़्यादा फुल बॉयल नहीं करते। लज़ानिया शीट्स मैंने इसमें लगा दी हैं लेयर और उसके बाद मैं दोबारा एक लेयर लगाऊंगी मीट सॉस की। उसके बाद हम इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे वाइट सॉस की उसके बाद मैं इसके ऊपर डाल दूंगी चीज़, मोज़रेला प्लस चेडर चीज़, दोनों मैं यूज़ कर रही हूँ।
नाउ इसी तरह करते हुए हमने इसकी 4 लेयर्स लगा लेनी है। नाउ एट द टॉप लेयर मैं दोबारा से मीट सॉस की लेयर लगा रही हूँ, वाइट सॉस की लेयर लगा रही हूँ, और बहुत ज़्यादा चीज़ डाल देंगे हम टॉप पे। नाउ दैट्स इट, अब हम इसको बेक करेंगे 180 डिग्री पे ऑलमोस्ट 20 मिनट्स के लिए। एंड यू कैन सी दिस कितना प्यारा कलर आया है इस पर। इसके ऊपर हम थोड़ी सी क्यूट लुक देने के लिए एक पार्सले का पत्ता रख देंगे एंड दैट्स इट। नाउ मैं इसको कट करूँगी और मैं इसको इन्जॉय करूँगी। आप लोग भी बनाएं, इन्जॉय करें, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल डू सब्सक्राइब।